इस वीडियो में हम नंबर ऑफ जीरो फील्ड सब एरेज इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, आपको रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ सब एरेज फील्ड विद जीरो। सब एरे आपका क्या होता है, कंटिग्यूस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कंटिग्यूस सब एरे जीरो वाला क्या होगा, एक तो आपका ये दो एलिमेंट का और एक ये दो एलिमेंट का। तो अगर मैं दो जीरो का एक सब एरे लूँ, इससे मैं कितने सब एरे बना सकता हूँ, एक ये सिंगल सब एरे, एक ये सिंगल सब एरे और एक ये दोनों को मिला के ये सब एरे। तो इस दो से मेरे कितने बनेंगे, तीन सब एरे, और इसी तरह इस दो से कितने बनेंगे मेरे, तीन सब एरे। तो टोटल मेरे कितने बनेंगे, सिक्स सब एरे, जो कि मेरा आंसर है। इसी तरह अगर हम ये एग्जांपल लें, 000200, इसमें आपका एक तो 000 तीन जीरो का एक आ रहा है और एक दो जीरो का आ रहा है। तो आपके इस तीन जीरो वाले से कितने बनेंगे, एक तो सिंगल सिंगल 000, तीन सब एरे तो ये बनेंगे। फिर दो दो के ये दो, ये दो, तीन दो पाँच और एक इन तीनों का, इससे कितने बनेंगे आपके, छः सब एरे। इन दो से कितने बनेंगे, सिंगल सिंगल और ये डबल, तीन सब एरे यहाँ से बनेंगे। टोटल कितने हो गए, नाइन। तो आपका आंसर आ गया नाइन। इसी तरह एक और एग्जांपल है, 2 10 2019, इसमें आपका क्या है, जीरो है ही नहीं, तो आपके कितने सब एरे आएंगे, जीरो सब एरे आएंगे। तो इस तरह से आपको जो भी कंटिन्यूअस सब एरे जीरो के बन सकते हैं उनका अकाउंट रिटर्न करना है। हम जो ये तीन जीरो ले रहे थे, इसमें हमारे टोटल सब एरे अकाउंट कितना आ रहा था, सिक्स आ रहा था। कैसे, एक ये, एक ये, एक ये, फिर दो दो के, फिर तीन का। तो बेसिकली कैसे बन रहे थे, तीन दो एक। इसी तरह अगर मैं चार लूँगा तो आपके चार तो सिंगल बनेंगे, सिंगल सिंगल के चार बनेंगे। फिर डबल डबल के कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। फिर तीन तीन के कितने बनेंगे, दो बनेंगे और एक चारों का बनेगा। तो आपके कैसे बनेंगे, चार तीन दो एक। तो आपके वन से लेके जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने कंजुगेटिव बनेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे बनेंगे। और ये हमें पता है कि कैसे निकलता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कैसे निकलता है, n × n + 1/2, 4 × 4 + 1/2 यानी कि 10। 4 + 3 + 2 + 1 कितना है, 10 आया। 4 × 5/2 ये भी 10 आया। तो एक तरीका तो हमारे पास क्या है, हम एरे को स्कैन करें, हम काउंट निकालते चले कि हमारे कंटिन्यूस जीरो का काउंट कितना आया, इस केस में तीन आया। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, n × n + 1/2, एक हमारा इन तीन से इस तरह से काउंट आ जाएगा। फिर हम एरे को ट्रैवर्स करते चले, एक हमारा ये दो का आएगा, इसमें भी हम फॉर्मूला लगा दें, 2 × 3/2 यानी कि 3 सब एरे। तो 6 + 3 9, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। एक अप्रोच तो हमारी ये हो सकती है, एक बार इसका कोड दे लेते हैं फिर हम इससे बेटर अप्रोच देख लेंगे। इस अप्रोच में हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ कंटिन्यूस जीरो का काउंट निकालना है। तो उसके लिए हमने काउंट वेरिएबल लिया, फिर एरे को स्कैन करना शुरू किया। अगर हमारा एलिमेंट जीरो के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर दो। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना था, n × n + 1/2 ये वाला फॉर्मूला लगा के जितने हमारे जीरो आए प्रीवियसली उनका काउंट निकाल देना था और हमारे आंसर में ऐड कर देना था। फिर हमारे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जीरो के लिए हमें क्या करना था, इस काउंट वेरिएबल को जीरो कर दो, ताकि जब हमारे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जीरो आए उनका काउंट काउंट में स्टोर हो जाए और फिर हम इस फॉर्मूले को लगा के उनका काउंट निकाल सकें। और लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपका ये 000100, इस लूप से आपका ये वाला तो कंसिडर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आपका काउंट 2 आएगा, आपका लूप यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो आप इस लूप से बाहर आ जाओगे। तो आपको ये वाली स्टेटमेंट एक बार लास्ट में भी लिखनी पड़ेगी, count × count + 1/2 ये आंसर में ऐड कर दो, इसके लिए जो आपके बिल्कुल एंड में कंसेक्यूटिव जीरो होंगे उनके लिए, और लास्ट में आप आंसर को रिटर्न कर दो। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन, हम एक एन साइज का लूप चला रहे हैं और उसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, ये जनरली आपका कॉस्टली होता है। तो हम सेम ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अंदर वाले ऑपरेशन को थोड़ा बेटर बना सकते हैं, एक बार हम उस अप्रोच को देख लेते हैं। इस अप्रोच को समझने के लिए आपको ये नोट करना पड़ेगा कि मान लो मेरे पहले तीन जीरो कंटिन्यूस आए, फिर अगर मैं फोर्थ जीरो को कंसिडर करता हूँ तो इस जीरो की वजह से मेरे कितने सब एरे बनेंगे, एक ये सिंगल का बनेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, टोटल चार सब एरे बनेंगे। मान लो मेरा एल यहाँ पर था, आर मेरा यहाँ पर था, इसको मान लेते 0 1 2 3, एल मेरा जीरो पर था, आर मेरा थ्री पर था, तो 3 - 0 + 1 मेरी विंडो में, एल आर विंडो में कितने एलिमेंट है, r - l + 1, इतने एलिमेंट्स हैं। तो जब भी मैं कोई न्यू जीरो ऐड करूँगा तो मेरे सब एरे का काउंट किससे इंक्रीज होगा, r - l + 1, मेरे विंडो में जितने एलिमेंट होंगे उतना। जैसे अगर मेरी विंडो में केवल दो एलिमेंट होते
और फिर मैं एक न्यू जीरो लाता, तो इससे मेरे कितने स्क्वायर बनते, एक दो तीन। इस टाइम मेरा एल कहाँ पर था, जीरो पर, आर टू पर, टू माइनस जीरो प्लस वन तीन, तो मेरा आता तीन। हम एल को जीरो से ना शुरू करके मान लो फाइव से शुरू करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पर सेवन आएगा, सेवन माइनस फाइव प्लस वन तो भी थ्री आएगा, यानी कि मेरी करंट विंडो में जितने एलिमेंट होंगे उतना मेरा इंक्रीज होगा। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इस अप्रोच को करेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, ज़ीरो 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 टू ज़ीरो ज़ीरो। इस अप्रोच में हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में एल और आर पॉइंटर ज़ीरो पर लेने हैं, फिर हमें इस एलिमेंट को चेक करना है। अगर ये ज़ीरो है, ज़ीरो है तो क्या हुआ, हमारी विंडो में एक एलिमेंट आ गया, इसकी वजह से कितने बढ़ेंगे हमारे सब एरे का काउंट, जितने हमारे विंडो में एलिमेंट होंगे। तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे आर माइनस एल प्लस वन, कि इससे मेरे काउंट को इंक्रीज कर दो। जब जब हमें ज़ीरो मिलेगा तो हम विंडो के एलिमेंट जितने भी होंगे उनको ऐड कर देंगे हमारे आंसर में। विंडो में कितने एलिमेंट होंगे, आर माइनस एल प्लस वन, ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन, वन एलिमेंट, इसके लिए आया वन। और साथ साथ हम क्या करेंगे, हमारी विंडो को एक्सपेंड कर देंगे कि आर पॉइंटर अब इस पर आ जाए। फिर हम देखेंगे ये ज़ीरो है, ज़ीरो है तो अब आर माइनस एल प्लस वन, आर कहाँ पर है, वन पर है, एल मेरा ज़ीरो पर है, प्लस वन यानी कि टू मेरे आंसर में ऐड कर दो, और हम आर को यहाँ से यहाँ पर ले जाएंगे। अब हमारी विंडो कितनी हो गई, इतनी हो गई। हम चेक करेंगे कि ये वाला एलिमेंट मेरा ज़ीरो है या नहीं है, ज़ीरो है तो मैं क्या करूँ, आर माइनस एल प्लस वन यानी कि तीन अपने आंसर में ऐड कर दो, और इस आर को ले जाऊँ यहाँ पर। फिर मैं चेक करूँ कि मेरा ये एलिमेंट ज़ीरो है या नहीं है। जब जब मेरा एलिमेंट ज़ीरो ना हो उस केस में मुझे क्या करना है, मेरी विंडो को एम्प्टी कर देना है। मेरी विंडो एम्प्टी कब होगी, जब मैं एल पॉइंटर को आर पॉइंटर के बाद ले जाऊं। आर मेरा यहाँ पर है, एल मेरा यहाँ पर है, आर मेरा किस पर है, थ्री पर, एल मेरा है फोर पर। तो जब मैं आर माइनस एल प्लस वन करूँगा तो थ्री माइनस फोर प्लस वन कितना आएगा, मेरा ज़ीरो आएगा। ज़ीरो का क्या मतलब हुआ कि मेरी विंडो एम्प्टी है। तो जब जब ऐसा हो कि मेरे इस पोजीशन पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो तो मैं क्या करूँ, अपनी एल विंडो को सीधा यहाँ पर ले आऊँ, एल इक्वल टू आर प्लस वन यहाँ पर ले आऊँ। फिर मैं क्या करूँ, आर को यहाँ पर लाया, इस एलिमेंट को चेक किया, ये एलिमेंट मेरा क्या है, ज़ीरो है, तो मुझे क्या करना है, आर माइनस एल प्लस वन, फोर माइनस फोर प्लस वन, एक और अपने आंसर में ऐड कर देना है, और साथ में आर को यहाँ पर ले जाना है। ये मेरा एलिमेंट ज़ीरो है तो आर मेरा कहाँ पर है, फाइव पर है, फाइव माइनस फोर प्लस वन प्लस टू और मेरे आंसर में ऐड हो जाएगा, और आर मेरा आगे चला जाएगा। अब मेरा एरे एग्जॉस्ट हो गया तो इसमें मेरा आंसर स्टोर हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री, प्लस थ्री सिक्स, प्लस वन सेवन, प्लस टू नाइन, तो ये मेरा आंसर नाइन आ जाएगा। इस अप्रोच की भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन ही होगी। बस हम क्या कर रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ कर रहे थे, इसमें हम प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो बिग ओ में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ओ ऑफ एन ही रहेगी, लेकिन एक्चुअल में ये वाला सोल्यूशन हमारा फास्टर वर्क करेगा। एक बार इसका भी हम कोड देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक आंसर वेरिएबल ले लिया जो स्टार्टिंग में जीरो है, हमने एल और आर दोनों को जीरो पर ले लिया। जब तक हमारा एरे एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक हम लूप चलाएंगे और आर को इसमें प्लस प्लस करते रहेंगे, हमारे आर पॉइंटर को एक एक एलिमेंट आगे लेते जाएंगे। हमें चेक क्या करना है कि इस आर बाउंड्री पर हमारा जीरो है या नहीं है। अगर जीरो नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हमें क्या करना था, एल बाउंड्री को आर प्लस वन पर लेके जाना था, यानी कि हमारी विंडो को एम्प्टी करना था, तो हमने वही किया। अदरवाइज हमें क्या करना था, हमारे आंसर में आर माइनस एल प्लस वन जो हमारे विंडो में एलिमेंट्स हैं उन्हें ऐड करना था, और लास्ट में हमें आंसर को रिटर्न कर देना था। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ वन। थैंक यू गाइस।